नंबर 13 भी सरद नान ने मेरे दिमाग लगाया हुआ कि ये हम लोग डिस्कस कर लें, आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अगरचे रिस्क को आप लोगों ने जो न्यूमेरिकली रिस्क है वो आप लोगों ने उधर पढ़ा है सर वाले एरिया के अंदर, लेकिन रिस्क अभी पढ़ना हेजिंग अभी नहीं पढ़ा आपने टॉपिक। ओके, ये आपके उसमें लास्ट चैप्टर, ठीक हो गया, चले हम उसको टच करते हुए आगे चलेंगे। तीन छोटी छोटी सी बातें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हो रही हैं, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। इस यहां से कॉन्सेप्ट बन के तो फिर आप वो जो लास्ट चैप्टर है न्यूमेरिकली रिस्क वहां पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर रिस्क को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि रिस्क है क्या। अगर हम आम जिंदगी में देखें तो हम रिस्क किसको कहते हैं? जो अनसर्टेन हो या जो एडवर्स रिजल्ट निकल सकता हो, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे एडवर्स मूवमेंट को हम आम जिंदगी में रिस्क बोलते हैं। ठीक है ना, कि हम जो अज्यूम कर रहे हैं अगर उससे एडवर्स हो जाए तो हम उसे रिस्क बोलते हैं, लेकिन अगर उसकी फेवर में मूव कर जाए तो हम उसे रिवार्ड बोलते हैं। ठीक है ना, आमतौर पर मतलब अगर डॉलर जो है आजकल डॉलर की प्राइस कोई 225 रुपए एवरेज कर लेते हैं हम, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो अब एक शख्स जिसने डॉलर की पेमेंट करनी है, अब दो लोग हैं, अपना अपना रिस्क है हर लोगों का, एक शख्स है जिसने पेमेंट करनी है लेकिन पेमेंट उसे अभी आज से 30 दिन बाद करनी है, उसके लिए रिस्क क्या है? मजीद महंगा ना हो जाए। जब उसने 30 डेज के बाद डॉलर परचेज करने पहुंचना है, 30 डेज के बाद उसने जब डॉलर परचेज करना है तो उसको यह खदशा लगा हुआ है कि यह 225 से और ऊपर ना चला जाए, 230 का ना हो जाए, 235 का ना हो जाए, वो जहनी तौर पर इसको रिस्क कह रहा है। लेकिन अगर 115 का हो जाए तो इसका तो उसे बेनिफिट हो रहा है, वो इसे रिस्क नहीं कह रहा। अपने जहन में उसके नजदीक एडवर्स मूवमेंट रिस्क है। एक शख्स है जिसने पेमेंट रिसीव करनी है, उसे $1,000 आने हैं कहीं से और उसने कैश कराना है, वो रिस्क क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि डॉलर की कीमत कम ना हो जाए, ठीक है ना, वो अगर अबव चली जाए तो उसके लिए ये रिस्क नहीं है, ऊपर जाने को वो रिस्क नहीं कह रहा लेकिन डाउनवर्ड को वो रिस्क कह रहा है। यानी एक आम इंसान का जो बिहेवियर है वो ये है कि वो रिस्क एडवर्स मूवमेंट को रिस्क अज्यूम करता है, ठीक है ना, और इस रिस्क को मिनिमाइज करने की टेक्निक्स फिर हम सीख रहे होते हैं, फिर हम देख रहे होते हैं कि वो क्या टेक्निक्स हैं, कैसे हम इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ चीजें आप यहां सिलेबस में पढ़ेंगे, फिर कुछ आगे बीएफडी और फाइनल के सिलेबस में चीजें पढ़ेंगे कि हम इस रिस्क के बाहर कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर का मकसद इससे बाहर निकलने की टेक्निक सिखाना नहीं है बल्कि रिस्क को समझना मकसद है कि हम रिस्क कहते हैं किसको। तो चैप्टर हमें कह रहा है कि यार रिस्क को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, वन इज प्योर रिस्क एंड अदर इज स्पेकुलेटिव रिस्क। और वो कह रहा है कि रिस्क एग्जिस्ट व्हेन एवर अ फ्यूचर आउटकम और फ्यूचर इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। एक तरह के आपको विद सर्टेनिटी एक चीज पता है कि यही है, मतलब बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी करेंसी का रेट जो है पैरिटी वो फिक्स रखी हुई है और वो चेंज नहीं हो रही है। ये भी आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जब आगे सीए फाइनल में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि हमारे पास दो तीन ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन यही है हम डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलें, अगर हमारे मुल्क हालात खराब हो रहे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो इसका मतलब है इकोनॉमी वीक हो रही है, और इकोनॉमी वीक हो रही है तो ऑब्वियसली इट शुड बी ट्रांसलेटेड, हो रहा है। सबसे बड़ा दुनिया की कोई भी इकोनॉमी इस सर्कमस्टांसिस पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती फॉर 30 डेज 40 डेज 1-3 मंथ कि जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उस लेवल पर खड़ी हो जिस लेवल पर आज हम खड़े हुए हैं। यही नहीं पता कल क्या होना है, कौन हुक्मरान है, कौन हुक्मरान नहीं है, कहां खड़े हैं, कोई पता नहीं है। फिर आपकी जो मेन लाइन में लगे हुए लोग हैं, जो अपने आप को लीडर कह रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, या जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर खुद है, या जो दो तीन लोग एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, वो सब बड़े मतलब केयरलेस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम दुनिया के उन चार मुल्कों में आ गए हैं जो किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स देना ये आपकी फर्दर पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है और ऑब्वियसली इससे फर्दर इकोनॉमी डिक्लाइन होती चली जाएगी। अब ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि एक तो तरीका था हम इसको ओपन छोड़ दें, और एक तरीका अगर आपके पास रिजर्व हो या विल हो या आपको कहीं से डॉलर मिल जाए, आप कहें यार हम डॉलर को ऊपर नहीं जाने देंगे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ रही है
हम इसको लोकल फिनोमिना तस्वूर करेंगे, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल मसल है, हम स्टेट बैंक से डॉलर लेकर मार्केट में फ्लोट करेंगे और डॉलर को ऊपर नहीं जाने देंगे। ये तजर्बा हम 8 साल कर चुके हैं, मुशरफ दौर में ऐसे ही था, डॉलर बिल्कुल 8 साल तक डॉलर जो है 58 रुपीज पर फिक्स रहा, फ्रीज रहा। आप यूएई में देखिए, आप सऊदी अरब में देखिए, डॉलर पिछले 20 साल से एक जगह पे खड़ा हुआ है। तो, और ये आप किताबों में पढ़ेंगे कि हमारे पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर तो फिक्स है, फ्यूचर आउटकम प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फिर तो रिस्क है ही नहीं। मतलब एक शख्स ने 1,000 रुपया रिसीव करना था किसी से, वैसे पाक रुपीज रिसीव करने थे 1 महीने के बाद, तो वो कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उसका फॉरेन करेंसी से लिंक नहीं है। वो 1,000 रुपया उसने रिसीव करना है, ठीक है, वो 1,000 रुपया उसके पास आ रहे। लेकिन अगर फ्यूचर आउटकम आप विद सर्टेनिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदना है उसकी प्राइस का नहीं पता है, कोई बिजनेस करना है उसमें कितना रिटर्न आएगा उसका नहीं पता है, कोई भी ऐसी चीज जो जिसका आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उस ट्रांजेक्शन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि रिस्क इन्वॉल्व हो गया। अब किताब हमें यह बताना चाह रही है कि देर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, वन इज कॉल्ड प्योर रिस्क एंड अदर इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क किसको कह रहे हैं? प्योर रिस्क आल्सो कॉल्ड डाउनसाइड रिस्क इज अ रिस्क वेयर देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन एडवर्स इवेंट माइट अकर, इवेंट माइट टर्न आउट टू बी वर्स देन एक्सपेक्टेड बट दे कैन नॉट बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। वो कह रहा है कि यार हम प्योर रिस्क उसको कह रहे हैं कि एक ऐसा सर्कमस्टांसिस जहां पे एडवर्स इवेंट होने की तो तवक्को है लेकिन बेटर इवेंट नहीं होगा, ठीक है ना, बेटर इवेंट नहीं होगा बल्कि या तो होगा तो एडवर्स होगा या बस हालात ऐसे ही रहेंगे, इससे बेहतरी नहीं आएगी। यानी असल में तो रिस्क, जब हम निचले वाले रिस्क को पढ़ेंगे तो रिस्क की दो साइड है, एक रिस्क की डाउन साइड है जो हमें बुरा लग रहा है और एक उसकी अप साइड है जिसको हम रिटर्न बोल देते हैं। एक्चुअली तो रिस्क इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है। यार डॉलर ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, तो ऊपर चला गया तो मुझे अब देखना पड़ेगा मैं कौन हूं, इधर खड़ा हूं या इधर खड़ा हूं, तो मुझे फायदा भी हो सकता है मुझे नुकसान भी हो सकता है। मैंने एक लोन लिया बैंक से और बैंक के साथ मैंने इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं किया। बैंक आपको दो ऑप्शन देता है, एक बैंक कहता है कि यार रिस्क आपने लेना है कि मैंने लेना है, कहता जी आपने लेना है, कहता ओके मैं आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा लेट्स अज्यूम 15% फॉर 3 ईयर्स, अगले 3 साल आपका इंटरेस्ट रेट 15% ही रहेगा। अब इस ट्रांजेक्शन में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ये रिस्क फ्री ट्रांजेक्शन होगी, आपने और बैंक ने आपस में टर्म्स अपनी तय कर ली है। अब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या कम करे, ना आपको कोई फायदा होने वाला ना नुकसान होने वाला। लेकिन एक है, आपने कहा कि नहीं यार काइबोर प्लस 2%, काइबोर वो रेट है जो स्टेट बैंक डिसाइड करता है। अब अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर नीचे आ गया तो आपको फायदा भी हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन में आपने रिस्क कैरी किया है, लेकिन रिस्क कौन सा है? दोनों साइड का रिस्क है, अप भी जा सकता है डाउन भी आ सकता है। लेकिन प्योर रिस्क हम उसको कह रहे हैं जहां सिर्फ एडवर्स हो सकता है, बेटर कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जैसे यहां लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल देयर माइट बी अ सेफ्टी रिस्क दैट एम्प्लॉई कुड बी इंजर्ड बाय, वो कह रहा है कोई एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, ये रिस्क है कि खुदा ना खास्ता कोई जो एम्प्लॉय है ना वो हमारा मशीन की वजह से काम करने के दौरान इंजरी हो जाए। तो बस अब दो ही ऑप्शन है, या इंजरी हो जाएगी या नहीं होगी, कोई और पॉजिटिव साइड नहीं है इसकी कि या एडवर्स इवेंट होगा या कुछ नहीं होगा, लेबर स्ट्राइक कर देगी, इसकी पॉजिटिव साइड कोई नहीं, या लेबर स्ट्राइक कर देगी या नहीं करेगी, इसकी पॉजिटिव साइड कोई नहीं है, हम रिस्क ही कैरी कर रहे हैं, रिवॉर्ड कोई नहीं है, ठीक है ना। ये सारी वो ट्रांजेक्शन है जहां हम रिस्क कैरी कर रहे हैं, रिवॉर्ड कोई नहीं। इसको टर्म यूज की हमने प्योर रिस्क, एक ऐसा रिस्क जब हम एट रिस्क हैं, रिवॉर्ड कोई नहीं होने वाला। रिवॉर्ड क्या है? बस इवेंट नहीं होगा। हम सोच रहे हैं खुदा ना खास्ता हमारा ऑपरेशन बड़ा रिस्की है, हमने सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये खतरा है कि खुदा ना खास्ता कोई एम्प्लॉय इंजर हो गया तो हमें एम्प्लॉयज के रूल रेगुलेशन की वजह से एक अमाउंट पे करनी पड़ जाएगी। तो हमने सारे मेजर्स लिए हुए हैं, रिस्क क्या है? कोई एम्प्लॉय इंजरी ना हो जाए। लेकिन क्या इसका कोई फायदा भी हो सकता है, जैसे डॉलर की तरह की, डॉलर नीचे भी आ सकता है तो ऊपर भी जा सकता है, नहीं ऊपर जाने वाली कोई बात नहीं। इस रिस्क को हम क्या कह रहे हैं? प्योर रिस्क। फिर हम स्पेकुलेटिव रिस्क ये नाम, या टू वे रिस्क, ये टू वे रिस्क इसका जो नाम है ये सही एक्सप्लोर कर रहा है इस बात को, क्योंकि स्पेकुलेटिव तो एक खास तरह के हम बिजनेस को भी कहते हैं ना,
लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का रिस्क का मतलब यह है कि यह रिस्क दो साइड पर जा सकता है, हो सकता है आपको फायदा भी हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है आपको फायदा भी हो जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए। वही काइबोर के साथ लिंक करके फाइनेंसिंग करवाई है हमने, तो एक एक फायदा क्या हो सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया तो हम बेनिफिट में चले जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया तो नुकसान में चले जाएंगे। अब हम कह रहे हैं अच्छा यार एक रिस्क लिया था, ठीक है भाई ऐसे ही होता है, डॉलर की एक पेमेंट आ रही है, एक तो है हम इस ट्रांजेक्शन से रिस्क इलिमिनेट कर दें, उसके मेजर्स आप पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर्स में चल के, यार मुझे पैसे आने हैं लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि उस वक्त डॉलर की कीमत क्या होगी, अगर पता चला डॉलर 180 पर वापस आ गया तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा, तो मैं क्या मैयर लूं कि मेरा डॉलर जो है वो यहीं फ्रीज हो जाए, या मैंने पेमेंट करनी है और मुझे डर लगा हो यार डॉलर, एक तो डॉलर ऊपर जा ही जा रहा है और एक मैंने पेमेंट करनी है तो पता नहीं 300 रुपए का ना खुदा ना खास्ता डॉलर हो जाए। अब इस रिस्क को या मैं कैरी कर लूं या मैं इलिमिनेट कर लूं, इलिमिनेट करने के अमल को कहते हैं हेजिंग करना, ठीक है ना। जब हम अपनी ट्रांजेक्शन में से रिस्क को इलिमिनेट करना चाह रहे हो, मतलब हम चाह रहे हो कि यार डॉलर का आज ये रेट है, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है तो इस रेट को सामने रख के किया ना कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। अब डॉलर की मूवमेंट की वजह से एक एडिशनल रिस्क कैरी हो रहा है, मसलन मैंने पेमेंट करनी है, पेमेंट के डेज है 90 डेज के बाद पेमेंट करनी है। अब मैं देख रहा हूं यार डॉलर अभी 200 रुपए था, 205 रुपए था, ये 5-7 दिनों के अंदर अंदर 225 रुपए हो गया है, तो 90 डेज में तो पता नहीं कहां चला जाएगा। अब अगर मेरी ये सोच है, एक सोच है कि यार रिस्क है ना कोई बात नहीं सबके साथ ही है, मेरा अकेले का डॉलर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, सबके साथ ही है, इसका मतलब है आप रिस्क कैरी करने के लिए तैयार हो गए जमीन तौर पर। एक आप कहते हैं यार नहीं नहीं भाई हमको खुदकुशी थोड़े करनी है, हमने ये रिस्क कैरी नहीं करना। अब आपने कोई टेक्निक सोचनी शुरू की, वो जो टेक्निक सोचनी शुरू करेंगे उसका नाम क्या है, हेजिंग। मतलब एक आसान तरीका है, आप पेमेंट अभी कर दें भाई, 90 डेज का क्रेडिट ना लें, अगर आपको डॉलर से ज्यादा डर लग रहा है तो आप अभी पेमेंट कर दें, खत्म होगी बात, रिस्क क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। दूसरा तरीका है कि आप फॉरेन करेंसी के अंदर इसका फ्यूचर परचेज कर ले, करेंसी में फ्यूचर अवेलेबल होता है, आप आज ही 3 महीने बाद डॉलर का एक रेट आपके पास आ रहा होगा, ये 225 है तो वो शायद 226-227 रुपए आ रहा होगा, ये एक फ्यूचर मार्केट है, आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में, मैं तो जस्ट इंट्रो दे रहा हूं इसका, तो आप उस मार्केट में इसको खरीद लें, ठीक है। और जब एक्चुअल डॉलर देने की बात आए, अब अगर डॉलर बढ़ के खुदा ना खास्ता 300 रुपए का ही हो गया, लेट्स अस्यूम, तो आपने इस मार्केट में डॉलर 227 रुपए का खरीदा था, यह भी तो बढ़कर 300 का हो गया, इसको बेचेंगे पैसे आएंगे, उस दिन स्पॉट पर जाकर 300 का डॉलर खरीद लेंगे, पेमेंट कर देंगे, क्या रिस्क हुआ, ये 2 रुपए हमें कॉस्ट आई इस रिस्क को कम करने के लिए, स्पेकुलेटिव नहीं, स्पेकुलेटिव में, नॉन डिलीवरेबल में, टैक्स में नहीं पड़ा था, स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये वो वाली बात है, नहीं फ्यूचर, इसको हम कहते हैं फ्यूचर परचेज करना, ठीक है ना, फॉरवर्ड मार्केट में आपने मैच की ना बात, बड़ी डिटेल में आप चैप्टर पढ़ेंगे कभी जाकर, आपने पेमेंट कब करनी है, 90 डेज बाद, फ्यूचर मार्केट में ऐसे ही डॉलर अवेलेबल है, 30 डेज बाद वाला डॉलर, 45 डेज वाला डॉलर, 60 डेज वाला डॉलर, 90 डेज वाला डॉलर, 180 डेज, ऐसे फ्यूचर में अवेलेबल, आज वाला भी अवेलेबल है, आज वाला तो खरीदेंगे तो कौन सा खरीदेंगे, कौन सा खरीदेंगे, यानी डॉलर घर ले आएंगे, नहीं अकाउंट में फ्यूचर मार्केट चलती है ना, एक है स्पॉट, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, एक है स्पॉट में खरीदें, स्पॉट में खरीदेंगे तो पैसे अभी देने पड़ेंगे, अगर पैसे ही हैं फिर तो वो जो मैंने पहले वाली बात की कि उसको आज ही डॉलर दे दें भाई, खत्म होगी बात, फिर तो फ्यूचर मार्केट की हेल्प लेने की जरूरत है ही नहीं है, पैसे अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे माल क्यों लिया होगा, पैसे नहीं होंगे, ये सारी मार्केट क्रेडिट पर ही चल रही है, ये हेजिंग की टेक्निक्स हैं, ये पढ़ी लिखी दुनिया का जुआ खेलने की मार्केट्स हैं, ठीक है ना। यहां पर आपने खरीद लिया, इस तरह से आपने हेजिंग कर ली, रिस्क को जब भी हम इलिमिनेट करना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं, हेजिंग। मसलन आपने गाड़ी खरीदी, अब रिस्क है कि गाड़ी चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है, आपने इंश्योरेंस करवा ली, अब आप एक इंश्योरेंस का एक प्रीमियम पे कर रहे हैं, गाड़ी की कॉस्ट का कोई 2-2.5% साल का, लेकिन आपकी हेजिंग हो गई है, खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी हो गई तो आपको नई गाड़ी मिलेगी, गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो मेजर कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी,
तो इसी तरह से हम किसी भी रिस्क की हेजिंग करने का सोच लेते हैं, ठीक है ना, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। वो कह रहा है किताब ये कह रही है आपको कि देयर आर रिस्क जो दो तरफ रिस्क है, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। आपने आज शेयर मार्केट में गए, आपने कहा जी रोज मार्केट गिर रही है 1,000 पॉइंट, आपने कहा सर यही तो बेस्ट टाइम होता है मार्केट में परचेजिंग करने का। यस बिल्कुल ऐसी है। आप गए आपने निशात मिल लिमिटेड के शेयर खरीद लिए, फर्ज कर लें आज शेयर की कीमत है 250 रुपए, तो क्या रिस्क कैरी कर रहे हैं? मार्केट और नीचे भी जा सकती है, मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है, दोनों रिस्क हैं। इसका मतलब है स्पेकुलेटिव रिस्क है। आपने गोल्ड परचेज कर लिया, गोल्ड की प्राइस नीचे भी जा सकती है, गोल्ड की प्राइस ऊपर भी जा सकती है, इसका मतलब है कौन सा रिस्क है? स्पेकुलेटिव रिस्क है, दो तरफ का रिस्क है। जब दो तरफ का रिस्क हो तो हम जो इन्वेस्टर होते हैं ना, हम उसका सबसे पहले मेजर करते हैं कि इसका रिस्क एपेटाइज क्या है, ये कितना रिस्क ले सकता है, इसके रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और इसका एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क क्या है। मतलब वो आप पढ़ेंगे कि तीन तरह के लोग हैं, एक एक तरह के इन्वेस्टर को हम कहते हैं रिस्क सीकर है, और एक को हम कहते हैं रिस्क एवर्स है, और एक को कहते हैं रिस्क न्यूट्रल है। जो रिस्क सीकर लोग हैं ना, जब उन्हें कहते हैं ना इस ट्रांजेक्शन में बहुत रिस्क है, वो कहते हैं अच्छा ये मुझे बताओ कौन सी ट्रांजेक्शन है, बिकॉज दे बिलीव कि रिस्क लेना चाहिए, अगर लॉस ज्यादा हो सकता है तो गेन भी ज्यादा हो सकता है, तो ये फौरी तौर पर हाई रिस्क हाई रिटर्न पर बिलीव करते हैं। और जो रिस्क एवर्स लोग हैं वो कहते हैं अच्छा इसमें तो सारा पैसा डूब सकता है, कहते हैं पागल है हम यहां पैसे लगाएंगे, वो फौरन उस ट्रांजेक्शन से पीछे हट जाते हैं, उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब सबसे पहले जब हम इस सारे को भी रीड करते हैं तो हमें टॉपिक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब रिस्क आया ना सामने तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क है क्या, आप रिस्क सीकर हैं या रिस्क एवर्स हैं। अगर रिस्क एवर्स हैं तो इस ट्रांजेक्शन से वैसे ही क्या कर लें, बाहर आ जाएं, ठीक है ना। और अगर रिस्क सीकर हैं तो फिर मेजर करें आपने कितना रिस्क लेना है, कैलकुलेट करें आप क्या रिस्क लेना चाहते हैं। मसलन आपने निशात मिल लिमिटेड का शेयर परचेज किया 250 रुपए का, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क ले। पहले डिफाइन कर लें कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मसलन अब रिस्क इस ये 250 प्राइस है, अब रिस्क क्या है, यहां से कीमत ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है डिफाइन करें कि अगर ऊपर प्राइस जा रही है तो आपने कहां तक रिस्क लेना है, क्योंकि हर लम्हे ये रिस्क मौजूद है। मतलब आपने शेयर परचेज किया वो 251 का हो गया, फिर 252 का हो गया, फिर 257 का हो गया, लेकिन हर वक्त ये रिस्क है कि यहीं से शेयर वापस ना हो जाए। कैलकुलेटेड ये है, डिफाइन करें कि जब मैंने 250 का शेयर खरीदा है तो मैंने कितना रिस्क लेना है, अपसाइड पर कितना रिस्क लेना है। वो कहते हैं इस शेयर को खरीदने का मकसद था मैं इसमें से 10% रिटर्न कमाना चाह रहा था, ठीक है, 10% का मतलब क्या हुआ, 25 रुपीज। इसका मतलब है जैसे ये शेयर 275 का होगा तो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क कह रहा है कि अब इससे ऊपर शेयर की प्राइस जाने का रिस्क भी मैंने नहीं लेना, बल्कि मैंने इस शेयर को यहां सेल कर देना। हालांकि गेन आ रहा है लेकिन रिस्क की दो साइड, ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला। फिर आपने कहा एक पॉलिसी बनाओ डाउनवर्ड, हमने क्या सोचना है, हो सकता है बराबर सोच रहे हो, जरूरी नहीं है बराबर सोच रहे। वो कहते हैं यार देखो 250 का हमने लिया है, अगर शेयर की कीमत 240 रुपए हो गई ना तो फिर हमने लोगों की बातों में नहीं आना कि जी अभी कीमत ठीक हो जाएगी, बस 2-3 दिन में हालात ठीक हो रहे, नहीं आपने इसको सेल कर देना, बस हम 10 रुपए का रिस्क लेना चाह रहे हैं। मसलन आपने ये सारी ट्रांजेक्शन सुनी और आपने कहा सर कह रहे थे कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेरे पास 2,50,000 रुपया है, मैं निशात मिल के 1,000 शेयर खरीद लेता हूं। साथ ही बताने वाले ने बताया कि यार देखो आप ये जो इक्विटी मार्केट है ना ये बड़ी रिस्की मार्केट है, आप अपना रिस्क डिफाइन करके चलोगे, आप पहले देखो अपवर्ड साइज पे कितना रिस्क लेना है आपने, क्योंकि जैसे ये 251 का हुआ तो ये रिस्क है कि जो 1 रुपया कमाया वापस भी जा सकता है, कितना रिस्क लेना है आपने। वो कहते यार मैं 25 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, और अगर 250 से नीचे आना शुरू हो गया, 249 हो गया, 248 हो गया, तो कितना रिस्क लेना है, कहते 10 रुपए तक मैं सोचूंगा,
इवन आपकी स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है, इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। वो कहते हैं स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस क्या है? रिस्क को क्वांटिफाई करने का नाम है। शेयर खरीदते वक्त ही आप वेल डिफाइंड थे, आपने 2.5 लाख रुपए के शेयर खरीदे, साथ ही सॉफ्टवेयर में फीड किया कि यार जब 275 का शेयर हो जाए ना तो मेरे से ना पूछना, बेच देना, आज ही सेल का ऑर्डर लगा दिया। साथ ही आपने कहा कि अगर 240 का हो गया ना तो सेल कर देना, फिर भी मेरे से ना पूछना, बिकॉज उस वक्त मैं तो मार्केट सेंटिमेंट्स से खेल रहा हूं, मेरी उस वक्त की डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है। मैंने आज बैठ के इन्वेस्टमेंट के टाइम पे डिसाइड किया कि मैंने रिस्क लेना कितना है, रिस्क को क्वांटिफाई किया। इस इन्वेस्टमेंट से मैं 25,000 रुपया कमाना चाहता था, टारगेट मेरा ये था, और इस इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस होता है तो मैं 10,000 का लॉस करना चाहता हूं, इससे बड़ा रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन यहां से बढ़ते बढ़ते यहां तक भी जा सकती है और नीचे आते आते मेरी अमाउंट जीरो भी हो सकती है। क्या मैं 2.5 लाख पूरे का रिस्क लेना चाहता हूं? अब आपने अपने फाइनेंशियल हालात देखने हैं, आपने अपनी कंपनी की पॉलिसी देखनी है, आपने डिसाइड करना है कि आप कहां खड़े। इस चीज का नाम है कि रिस्क को क्वांटिफाई कर लें, ठीक है ना। ये जो सारी कहानी हमने सुनी है इसका मतलब क्या है कि रिस्क को क्वांटिफाई कर लें और कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। अच्छा जी, एन इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज एक्सपोज टू अ स्पेकुलेटिव रिस्क बिकॉज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइट गो अप और डाउन। इन्वेस्टर विल गेन इफ प्राइस गोज अप और सफर अ लॉस इफ प्राइस गोज डाउन। तो कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना, इसने दो एग्जाम्पल ये देकर फिर उसने बताया नीचे कि कंपनी जो है वो भी दोनों तरह का रिस्क ले रही है, और उसने बताया कि ये वाला जो रिस्क है, जो दो साइड का रिस्क है, हम इसको कम कर सकते हैं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। किसकी मदद से? अपने रिस्क का पोर्टफोलियो बना के हम डिसाइड करें हमने कितना रिस्क लेना है, और इसी को वो कह रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशनल रिस्क भी है या स्ट्रेटजिक रिस्क भी इसी को हम कहेंगे। तीन नाम इसने इस पर एलोकेट कर दिए। बिजनेस रिस्क भी इसी को हम कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पढ़ लिया ना आपने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ ली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपने बात पढ़ी थी कि जब आप रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये क्या था? रिस्क प्रीमियम, ये रिस्क प्रीमियम था ना। एक्चुअली वो जो हम कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो वो इस वाले एरिया पर डिपेंडेंट होता है। अच्छा खैर, अब आएंगे रिस्क मैनेजमेंट, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द बोथ डाउनसाइड रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। वो कहते हैं इसको मैनेज करने का नाम है बोथ साइड। इट कैन बी डिफाइंड एज कल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस दैट आर फोकस ऑन अचीविंग पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज येट एट द सेम टाइम कंट्रोल अनवांटेड रिजल्ट। अब हमारा, हमने अनवांटेड रिजल्ट किसका नाम दे दिया, 2,75,000 से ज्यादा हम ऊपर नहीं जाना चाहते और 2,40,000 से नीचे नहीं जाना। इसके अलावा जो रिजल्ट है वो अनवांटेड है हमारे लिए। हम 3 लाख पर नहीं जाना चाहते इस इन्वेस्टमेंट से, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने जा रहे हैं, हम ओपन रिस्क नहीं ले रहे। द रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। वो कहता है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम लॉस ऑफ वैल्यू। वो कहता है बीओडी का जिम्मेदारी है कि उसने तमाम एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है ताकि शेयर होल्डर की वैल्यू लॉस ना हो जाए। द बोर्ड शुड देयरफॉर कीप स्ट्रेटजिक रिस्क विद इन लिमिट दैट शेयर होल्डर वुड एक्सपेक्ट। विद इन लिमिट क्या मतलब, ये लिमिट डिफाइन किया है, ये अपवर्ड रिस्क, ये डाउनवर्ड रिस्क, इसके अंदर अंदर रहकर आपने जो है रिस्क लेना है। अब ये तो चले स्टॉक मार्केट की बात होगी, आप कोई और काम कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आपने एक लेवल का रिस्क कैरी करना है, उस लेवल से अगला रिस्क आप कैरी नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनीज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वहां तो रेगुलेशन हम इस चैप्टर में देख ही रहे हैं उसके ऊपर। वो कह रहा है SECP की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कोड हैं वो क्या कह रहे हैं, SECP कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान स्टेट दैट डायरेक्टर शुड रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस इशू एंड दैट रिस्क कंसिडर्ड शेल इंक्लूड रेपुटेशनल रिस्क एंड शेल एड्रेस रिस्क एनालिसिस। वो कह रहा है 3 काम बोर्ड ने करने हैं। अब किसी लिस्टेड कंपनी की उठाइए बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 के मिल जाएंगे आपको, वहां एक डायरेक्टर रिपोर्ट लिखी होती है शुरू में, उसको पढ़े।
उसके अंदर ये तीन इशू डिस्कस हो रहे होंगे। क्या जी? डायरेक्टर शुड रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस, के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कौन कौन सी चीजों को हम अप्लाई कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट, हमने रिस्क को कैसे मैनेज किया है। पर्टिकुलरली 2021 की जो रिपोर्ट्स हैं आपको बड़ी अच्छी नजर आएंगी इस हवाले से, क्योंकि 2021 में रिस्क जो था ड्यू टू कोविड, बेताशा रिस्क मार्केट में मौजूद था, तो आपको बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलेंगी कि रिस्क कैसे मैनेज हुआ और किस तरह से हमने चीजों को लेकर चले। ये हमारी कॉर्पोरेट लॉ की रिक्वायरमेंट है, SECP की रिक्वायरमेंट है, यानी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द कंपनी रिस्क पॉलिसी। क्या रिस्क पॉलिसी? हम कितना रिस्क लेते हैं? रिस्क एपिटाइट, हम कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। रिस्क एपिटाइट का मतलब है कि आपकी लॉस उठाने की कैपेसिटी कितनी है। सम टाइम हम कंपेटिटिव एडवांटेज, जब हम पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने वहां देखा, हमने बात एक दिन क्लास में की भी, कि बार दफा एक बड़ा इन्वेस्टर एंटर होता है मार्केट में और वो अंडर सेलिंग शुरू कर देता है, बिकॉज इसका रिस्क एपिटाइट बेहतर है, ये ज्यादा रिस्क ले सकता है। ये कहता है यार पहले चीजें इतनी सस्ती कर दो कि जो कमजोर मार्केट में प्लेयर है ना, वो तो ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कितने दिन चलेगा मेरे साथ। अल्टीमेटली वो अपने बिजनेसेस बंद कर देगा, इन सारों के बिजनेस बंद करवाने के बाद फिर मैं थोड़े अरसे के बाद ग्रेजुअली अपनी प्राइसेस बढ़ाना शुरू करूंगा और वहां से बेनिफिट उठाऊंगा। ये ऐसा कर सकता है बिकॉज ये ज्यादा रिस्क बियर करने की पोजीशन में है, लेकिन कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं कर सकता। तो ये इसको हम कह रहे हैं कि कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पहले रिस्क की पॉलिसी डिफाइन करें, फिर रिस्क का मैग्नीट्यूड डिफाइन करें एंड रिस्क लिमिट, एज वेल एज एंश्योरिंग दैट देयर आर इंटीग्रेटेड इनटू द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड बिजनेस। वो कह रहा है कि ये सारी बातें जो है वो आपकी रोजाना के बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी हुई हो, यानी कंपनी में सब लोगों को पता हो कि हम कितना रिस्क लेते हैं, जो हमारे बाइंग वाले लोग हैं, जो हमारे सेलिंग वाले लोग हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उन सब लोगों को बताओ कि हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है, हम कितना रिस्क लेने की पोजीशन में है। मतलब एक बात आमतौर पर कही जाती है, जो आम आदमी है ना वो हमेशा जो बुनियादी उसूल होता है ना उससे रिवर्स खेल रहा होता है। मतलब आजकल आप रोजाना खबरें क्या सुन रहे हैं, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आप जरा कोई करेंसी का डीलर आपका वाकिफ हो तो उससे पूछो यार आज 225 का डॉलर है मुझे मिल जाएगा, तो कहता नहीं सर डॉलर तो अवेलेबल ही नहीं है। क्या, क्या मतलब? कहता सर लाइने लगी हुई है, लोग खरीदार फिर रहे हैं, डॉलर मार्केट में है ही नहीं, इसीलिए तो बढ़ी जा रहा है। यानी एक आम आवाम जिसने शायद जिंदगी में कभी डॉलर का नोट, करेंसी नोट देखा भी नहीं था, वो भी डॉलर खरीदने के लिए निकला हुआ है, और डॉलर के ऊपर फर्दर प्रेशर, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो रहे हैं। यानी डॉलर वो खरीदे जिसने, या तो बड़ा कोई बड़ा आदमी है जिसने कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट करनी है, या वो खरीदे जिसने कोई डॉलर में पेमेंट करनी है। नहीं, एक आम आदमी होकर यार मेरे पास 2,00,000 रुपए पड़े थे, मैंने सोचा डॉलर खरीद के रख लेता हूं, डॉलर बढ़ी जा रहा, तो डॉलर तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आप जाएंगे तो अब डॉलर बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, रिस्क और आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। तो कह रहे कि नहीं, आपने कंपनी ने डिफाइन करना है। अच्छा, आजकल आप दूसरी तरफ देखें, डॉलर के मुकाबले में जरा दूसरी तरफ चले जाएं, स्टॉक मार्केट आप रोज सुन रहे हैं जी 1,000 पॉइंट गिर गई है, आज इतनी मंदी हो गई, इतने अरब का नुकसान हो गया, लोग शेयर बेच रहे हैं इस वक्त इस खौफ से कि ये और गिर जाएंगे। अब असल उसूल क्या है, जो लोग रिस्क को समझते हैं, असल उसूल क्या है? ये टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का और ये टाइम है डॉलर बेचने का, लेकिन आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। जो चीज अपनी मैक्सिमम पे खड़ी है वहां बाय चाहिए कि सेल करनी चाहिए? वहां तो सेल करनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो जब चीज बढ़ रही होती है तो समझ रहे होते इसे और ऊपर चली जाएगी, वो सोच रहे हैं कि डॉलर अब 250 का हो जाएगा, फिर जब 250 का हो जाएगा फिर वो सोचेंगे 300 का हो जाएगा। चले डॉलर तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी के साथ है तो अनफॉर्चुनेटली बढ़ता ही चला जाता है, नीचे आने का जरा कम ही रिवाज है हमारे मुल्क में, लेकिन शेयर प्राइसेस ऊपर भी जाती है, नीचे भी आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इन्वेस्टमेंट करें इक्विटीज के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो जो समझदार लोग होते हैं ना वो इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरी हुई हैं उस वक्त प्लॉट बेचना चाहिए कि खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए, लेकिन उस वक्त कोई खरीदार नहीं होगा। आप मार्केट में जाएं अभी और 15-20 मिनट के बाद मार्केट खुल जाएगी तो आप देखेंगे खरीदार नहीं है, कीमतें गिरी इसीलिए रही हैं, मुझे शेयर बेचना है और कोई खरीदार नहीं है। तो मैं कहता हूं अच्छा 250 का ही बेच दो, कहता सर 250 का भी कोई नहीं है, कहते 245 पे बेच दो भाई, ऐसे कीमत नीचे आई जा रही, आई जा रही। तो कहते हैं कि कंपनी डिफाइन करे कि हमने कैसे रिस्क लेना है। इकॉनमी जो है वो ज्यादा इंपोर्ट पे बेस कर रही है, उनको तो मार्केट में
लोग कहां से आएंगे? कौम तो बनाई नहीं है ना, कौमी सोच तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं उसमें रिकॉर्डिंग में क्या आपको बताऊं। आप डॉलर खरीदने तो जाएं, आपको पता चले कि डॉलर अवेलेबल है, जो रेट आप कह रहे हैं उस पर अवेलेबल है कोई कोई रीजनेबल क्वांटिटी? आपको 10,000 डॉलर खरीदने हो तो क्या अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल, क्योंकि हमने कौम का जहन ही नहीं बनाया हुआ, ना हम बनाना चाहते हैं, ना हमने बनाना है, ना कभी बनाया है, ना कभी बनाना है। हम तो अपनी अपनी सियासत खेल रहे हैं ना, कोई मुल्की मफाद और मुल्की उसको तो कहीं ताल्लुक ही उसका कोई नहीं है। इसलिए ये सोचना कि कौम ऐसे सोचे, कौम ऐसे कैसे सोचेगी यार? तो जो लोग कौम के लीडर है वो नहीं ऐसे सोच रहे कि यार मेरी स्टेटमेंट से मुल्क का क्या नुकसान हो जाएगा, वो तो मुल्क जाए। अगर मुझे इख्तदार नहीं मिलना तो फिर मुल्क रहे या ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर तो ऐसे ही होगा, सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, हर तरफ से ऐसे कर रहे हैं। इसलिए वरना जब बाकी कुछ ममालिक के साथ ऐसा होने लगा तो उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, आज के बाद डॉलर तो हमने लेना ही नहीं है ना। इस वक्त टेक्निकली डॉलर नीचे आ जाना चाहिए था ना, आपने इंपोर्ट को बैन किया हुआ है, पेमेंट हमने कोई नहीं करनी, इसका मतलब है। तो फिर डॉलर के ऊपर प्रेशर किस चीज का है? आप मैं लोग हम डॉलर में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि ओपन मार्केट में डॉलर के ऊपर पाबंदी लगा दे, नो वन कैन परचेज द डॉलर। इस प्रेशर को तो रिलीज करें ना। जब आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस से गुजर रहे हैं तो एक्सेप्शनल मेजर्स ही लेने पड़ेंगे। पहले तो आप कहेंगे यार ओपन मार्केट में डॉलर फिलहाल ट्रेडेबल नहीं है। मतलब बाय द वे आज की क्लास की डिस्कशन सुन के आप में से कोई डॉलर खरीदने क्यों जा रहा है? फेसबुक से डॉलर बढ़ते बढ़ते देखकर एक आम आदमी घर से डॉलर खरीदने क्यों निकल गया? क्या ये हम मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर इस तरह के मेजर तो कहीं लेने पड़ेंगे। खैर है नहीं, वापस इसके ऊपर आ जाए। वो कह रहे हैं कि कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा उसने कितना रिस्क लेना है। वो कहते हैं फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंपनी ने एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे, बल्कि यहां लिखा भी उसने ऐसे ही, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते हैं। इंटरनल कंट्रोल, जो बच्चे ऑडिट पढ़ रहे हैं उन्हें तो फौरन से समझ आ जाएगी, जो भी ऑडिट नहीं पढ़ रहे, मैंने कल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि वो सेट ऑफ पॉलिसीज जिसके जरिए से हम इंश्योर कर सके कि हमारी जो पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट हो रही हैं और काम जो है उसी तरह ही हो रहा है जैसे हम चाह रहे हैं। इसी तरह द एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी सिमिलर टू द एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले क्या जी, देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस विद इन द कंपनी। वो कहते हैं हर बंदे को पता तो कि यहां रिस्क है क्या, एक कल्चर हो कि हर ट्रांजैक्शन में उस शख्स को यह पता हो कि यहां रिस्क क्या है, मैं क्या करूंगा तो क्या रिस्क एक्सपोजर हो रहा है। मैनेजर एंड एम्प्लॉई शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एपिटाइट ऑफ द कंपनी एंड दैट एक्सेसिव रिस्क आर नॉट जस्टिफाइड इन सर्च फॉर हायर प्रॉफिट। वो कहता है जी मैंने सोचा जी चीजें शॉर्ट ही हो रही हैं तो माल खरीद ही लाता हूं तो फिर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कहता नहीं नहीं, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आपने ज्यादा रिस्क नहीं ले बैठना। रिस्क हमने उतना ही लेना जो हमारी डिफाइंड पॉलिसी ऑफ रिस्क है। मसलन फर्ज करें एक कंपनी को पेमेंट्स करनी पड़ती हैं और कंपनी ने डिफाइन किया कि यार 10,000 डॉलर हमारे पास ना कैश डॉलर इन हैंड होंगे। एक मैनेजर कह रहा है कि यार मैंने सोचा कि क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है तो मैं 10,000 की बजाय 50,000 डॉलर खरीद लाया। नो, हाई रिस्क की उम्मीद में आपने, हाई प्रॉफिट की उम्मीद में आपने हाई रिस्क नहीं लेना। ये स्टेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, आपके सारे मैनेजर्स को, आपके सारे स्टाफ को, सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी इतना रिस्क लेती है, हम इसके ऊपर खेल रहे हैं, इससे ज्यादा रिस्क हम नहीं ले रहे। अच्छा जी, नंबर टू, देयर शुड बी अ सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड मेजरिंग रिस्क। वो वाली बात कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप क्वांटिफाई करके अपने एम्प्लॉयज को, मैनेजर को, डिसीजन मेकर लोगों को बताएं कि यार हमने इतना रिस्क लेना है। मतलब आपको इन्वेंट्री कैरी करते हैं, ज्यादा इन्वेंट्री क्यों रखते हैं? ताकि स्टॉक आउट का रिस्क कम हो जाए। लेकिन कितनी रखनी है? डिफाइन किया होता ना कि मैक्सिमम स्टॉक ही होगा। ये क्या है? ये हमारा रिस्क एपेटाइट है क्या? इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें पाइल अप नहीं कर लेंगे। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है जब, लेकिन कैलकुलेटेड लेना है तो कहीं रिस्क मेजर करने की कोई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी ना, जहां से रिस्क मेजर होके क्वांटिफाई होके सामने आए। मैंने उसकी एग्जांपल के लिए, क्वांटिफाई के लिए वो एग्जांपल डिजाइन की थी ताकि आपको पता रहे कि ऐसे हम क्वांटिफाई कर लें कि यार इतना रिस्क लेना है, अपसाइड ये रिस्क लेना है, डाउनसाइड ये रिस्क लेना। तीसरी आगे, देयर शुड बी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट टू मैनेजर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो कह रहा है एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होना चाहिए ताकि अगर कोई रिस्क आ रहा है और हमने उसके ऊपर कोई अपनी लाइन ऑफ एक्शन डिजाइन करनी है तो पता चले आप बोर्ड मीटिंग ही बुलाते रह गए, इतनी देर में वो ट्रांजेक्शन ही गुजर गई। मसलन
کچھ لوگوں کو پتہ چل رہا تھا جیسے ہی یہ الیکشن کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے انہیں پتہ چلا کہ یار یہ سیٹس جو ہے پی ٹی آئی کی اب زیادہ آ رہی ہیں, تو پیپل کین ویل ویژولائز کہ کیا ہونے والا ہے اس کے بعد. تو کمپنی کو پتہ چلا کہ یار یہ تو کام خراب ہو رہا ہے, فلاں بندے کی پیمنٹ ہے یار اس کو ریلیز کر دو کیونکہ ڈالر فردر مہنگا ہو جائے گا اس ساری ٹرانزیکشن سے. تو جو لوگ رسک کو سمجھتے ہیں, جو لوگ رسک کو کیلکولیٹ کرنا جانتے ہیں, جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں, تو اب یہ نہ ہو کہ وہ کہے جی اچھا جی پھر بورڈ میٹنگ نہیں, دیر شوڈ بی این ایفیشنٹ سسٹم آف کمیونیکیشن تاکہ آپ مینیجر اور آپ لوگ جب رسکی ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں تو ایفیشنٹلی کام کر سکیں. اسٹریٹجیز اینڈ رسک شوڈ بی مانیٹرڈ ٹو انشور دیٹ اسٹریٹجک آبجیکٹو آر بینگ اچیوڈ ود ان ایکسیپٹیبل لیول آف رسک. وہ کہتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مانیٹرنگ کا نظام بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کہا تھا ویسے ہی ہوا ہے. یہ وہی انٹرنل کنٹرول والی بات ہے کہ انٹرنل کنٹرول بڑا اچھا ڈیزائن کر لیا ہے لیکن بعد میں چیک ہی نہیں کیا کہ کنٹرول لگا بھی رہا ہے جس بندے کو کہا ہے کہ آپ نے یہ کام ایسے 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 کرنا ہے, کیا وہ ایسے کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مثلا آپ نے کرنسی فیک کرنسی نوٹ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک مشین لا کے اکاؤنٹنٹ کو دے دی اور اس نے کہا یار جب بھی یہ ڈینومینیشن کے نوٹ آئیں گے تو آپ پہلے اس کو ویریفائی کر لیں گے. اب آپ آرام سے بیٹھ گئے کہ یار میں نے ایک انٹرنل کنٹرول نظام بنا دیا ہے, اب فیک کرنسی کوئی نہیں آئے گی میری آرگنائزیشن میں. وہ دیکھنا ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ اس مشین کو یوز بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. انٹرنل کنٹرول سسٹم کیا تھا, آپ نے مشین لا کر لگا دی, وہ آپریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مانیٹر تو کرنا پڑے گا نا کہ اگر 5,000 کا نوٹ آیا اس نے اس مشین میں سے اس کو گزارا بھی ہے کہ نہیں گزارا ہے. اگر گزارا ہی نہیں ہے تو پھر مشین لانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایسے ہی آپ نے رسک کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, کوانٹیفائی کر لیا, پالیسی بنا لی, اس کو مانیٹر بھی تو کرنا پڑے گا کہ ان گائیڈ لائن کے درمیان میں سارا کام ہو رہا ہے یا ان کے بغیر ہی سارا کام ہوئے جا رہا ہے. تو یہ چار پوائنٹ ہمارے پاس آ گئے جہاں ہم رسک کو کیا کر رہے ہوں گے, اس کی ایک پالیسی بنا رہے ہوں گے تاکہ ہم کیلکولیٹڈ رسک لے سک رہے ہوں. دا ریسپانسبلٹی فار رسک مینجمنٹ اینڈ مینجمنٹ اسٹرکچر ٹو گو ود اٹ ویری بٹوین آرگنائزیشن. سم کمپنیز امپلائی رسک مینجمنٹ اسپیشلسٹ اینڈ فائنینشیل سروسز. دیر از اے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ان مینی کنٹریز فار بینک اینڈ آفس. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا, یہ ڈپینڈ کر دے گا کہ آپ کون سی آرگنائزیشن ہے. اگر آپ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے تو سم ٹائم آپ رسک کو اسیس کرنے کے لیے امپلائیز ہائر کریں گے, سی ایف ایز ہائر کریں گے یا ایکچوریل سائنسز والے لوگ ہائر کریں گے. ان لوگوں کا کام ہے زیادہ رسک کو پڑھنا اور رسک کو لے کر چلنا. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں جیسے بینکس ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے لیے سم ٹائم لیگل ریکوائرمنٹ ہوگی کہ یار آپ کا انویسٹمنٹ ایڈوائزر فلاں کوالیفیکیشن والا بندہ ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا اور ایسے آپ انویسٹمنٹ کریں گے, ایسے اپروول لیں گے, ایسے رسک لیں گے, ایسے نہیں لیں گے. تو ساری باتیں اس کے اندر کوئی لیگل ریکوائرمنٹس آ رہی ہوں گی جیسے دونوں سائڈ سے. جیسے آپ انشورنس کمپنیز وغیرہ کے اندر دیکھیں, لائف انشورنس اور یہ کمپنی, یہ جب آپ کو انشورنس پلان سیل کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر ساری فیوچر کی فور کاسٹ ہوتی ہے. تو ایس سی پی نے ریسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ آپ اس فور کاسٹ میں اس سے زیادہ کا ریٹرن شو نہیں کروا سکتے. آپ کا انشورنس پلان بنا ہے تو فرض کیا 12% پہ بنے گا, آپ 18% 25% پہ انشورنس پلان بنا کر سیل نہیں کریں گے. کیوں؟ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ آ گئی. اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک فائنینشیل مثلا بینک نے ایک ادارے کو لون دینا ہے, جس کو مرضی دے دیں. نو, اسٹیٹ بینک کی پروڈینشیل ریگولیشن ہوں گی, کس ادارے کو لون دیا جا سکتا ہے, کتنا دیا جا سکتا ہے, کتنا نہیں دیا جا سکتا. آپ بعض دفعہ کوئی گاڑی لیز کروانے لگتے ہیں, بینک آپ سے ڈاکومنٹ لیتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, آپ کا جاننے والا بندہ ہوتا ہے اینڈ میں کہتا ہے سوری سر آپ کو گاڑی لیز نہیں کروا سکتے, آپ اتنی انسٹالمنٹ کہہ رہے ہیں, اتنی نہیں اتنی انسٹالمنٹ ہم آپ سے لیں گے, اتنے پرسینٹ انٹرسٹ نہیں اتنے پرسینٹ لیں گے, ایڈوانس اتنے نہیں اتنے لیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بینک کا سسٹم اپنا رسک ایویلیویٹ کر رہا ہے اس ٹرانزیکشن میں اور وہ کیلکولیٹڈ رسک لینا چاہتا ہے. وہ اس سے زیادہ اس کا فائنینشیل سسٹم اس کو الاؤ نہیں کر رہا, آپ کا جاننے والا ہونے کے باوجود اس کا سسٹم اس کو الاؤ نہیں کر رہا. یہی بات پڑھائی جا رہی ہے کہ کوئی ایک سسٹم ہوگا, اس سسٹم کے اندر بیٹھ کر سارا نظام چل رہا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ بس جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی ویل کے اوپر ہوگا, نہیں, ایک سسٹم ہوگا, اس سسٹم کے ویریبلز ڈیفائن ہوں گے. مثلا آپ کی منتھلی سیلری کتنی ہو تو کتنے کا رینٹل کمٹ کرنا ہے. مثلا فرض کر لے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بینک نے انٹرنل کنٹرول سسٹم بنایا کہ جس شخص کی سیلری کا 1/3 وہ رینٹل کلیم کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے میری منتھلی سیلری 3,00,000 روپیہ ہے تو بینک اس سے 1,00,000 روپیہ رینٹل تک کی گاڑی دے گا. اگر یہ کہہ رہا نہیں میں 1.5 لاکھ دوں گا تو بینک کہتا نہیں بھائی یہ رسک ہمیں الاؤ نہیں ہے, ہمارا رسک سسٹم کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے 1,00,000 روپے تک کا رینٹل لے سکتے ہیں. آپ کہہ رہے میں 1.5 لاکھ دوں گا, ہمارے سسٹم کے مطابق 1.5 آپ دے نہیں پاؤ گے, اس کا مطلب ہے آگے جا کے یہ ٹرانزیکشن ڈسپیوٹ میں جائے گی, تو ہمارا بینک کا سسٹم الاؤ نہیں کر رہا کہ ہم آپ کو لیز کریں.
हाँ, एडवांस इतना दे दो कि आपकी इंस्टॉलमेंट 1,00,000 रुपया बन रही हो, रिस्क एपेटाइट। तो कह रहे हैं कि बार दफा तो लीगल रिक्वायरमेंट होगी ये चीजें, और उसके अंदर अंदर लिमिट के अंदर रहकर हम ये सारा रिस्क ले रहे होंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहां से आगे चलेंगे परसों, यानी मैं अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, क्योंकि नान साहब ने अपना एरिया को क्लोज करना है, फिर उससे अगले वीक में मैं अपने एरिया को क्लोज कर दूंगा इंशाल्लाह।